अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 33। टुडे वी स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड से आज हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 24। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। अब हम इसको ट्री मेथड से भी करेंगे। देखें 24 क्वेश्चन में जो गिवन था हमने वो सबसे ऊपर लिखा, फिर हमने क्या किया था 2 12 ज़ा किया था तो 24 आया था, तो हम 12 यहाँ पर लिखेंगे। ये वाला 12 हमने यहाँ पर लिखा और इस 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा क्योंकि हम 2 को मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम 12 को सॉल्व करेंगे। 12 को करेंगे तो हमारा क्या आया था 2 6 ज़ा 12, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे और 2 ये वाला यहाँ पर लिखेंगे। अब हम इस 2 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, इस 2 को भी नीचे ले आएंगे। अब हम 6 को सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 मल्टीप्लाई 3, तो हमारा ये ट्री सॉल्व हो गया। अब देखें इसके नीचे वो नंबर आ गए हैं जिनको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि सब प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये क्या है 36। 2 1 ज़ा 2 3 में से 2 माइनस करें, 1 कैरी 6 को आ गया, 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। अब हम इसको भी ट्री पे शो करवाएंगे। 36 सबसे ऊपर लिख लिया, क्या था 2 18 ज़ा 36 था, 18 यहाँ पर लिख लिया और 2 यहाँ पर लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो इस 2 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, 18 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आया था 2 9 ज़ा 18, ये 2 हमने यहाँ पर लिखा और ये 9 हमने यहाँ पर लिखा। अब इस 2 को नीचे ले आएंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को भी नीचे ले आएंगे। अब हम 9 को सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 किया तो 9 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 3 1 ज़ा 3 यहाँ पर किया लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा, उसकी वजह यह है कि हमने ट्री में नीचे वो नंबर लाने होते हैं जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि हम ले आए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह है 390। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किया, 1 आ गया, हमने 19 को कैरी दिया, ये 19 बन गया। 2 9 ज़ा 18, अब इसने 1 कैरी दिया 0 को तो 10 बन गया। 2 5 ज़ा 10, 3 6 ज़ा 18, 19 में से 18 माइनस किया, 1 कैरी आया, इसने यहाँ पर दिया कैरी तो ये 15 बन गया। 3 5 ज़ा 15, अब हम 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, इसने कैरी यहाँ पर 5 को दिया 6 ने तो ये 15 बन गया। 5 3 ज़ा 15, अब यहाँ पर 13 आ गया, 13 1 ज़ा 13। अब हम इसी को ट्री में शो करवाएंगे। 390 ऊपर लिखा, हमारा यहाँ पर क्या आ गया था 195 जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया, इसको हमने 2 से किया था, ये 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इस 2 को हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब हम 195 को सॉल्व करेंगे, 195 को सॉल्व किया था तो हमारे पास था 365 आया था, यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 65 था, यानी कि अगर हम 3 को 65 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 195 आएगा, तो हमने 65 यहाँ पर लिख लिया और 3 यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये 5 एज इट इज़ सॉरी ये जो 2 है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम 65 को सॉल्व करेंगे तो 5 और ये 13 हम यहाँ पर लिख लेंगे, 13 यहाँ पर लिखा और 5 यहाँ पर लिखा, तो हमारा चूँकि 13 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है इसलिए यहाँ पर ट्री ये कंप्लीट हो गया। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह करेंगे। जिन क्वेश्चन पे मैंने रेड मार्क किया है वो आपने होमवर्क करने हैं, अपने पेरेंट्स को ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करवाने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।